तो ये जो बाइक आप देख रहे हैं ना, 1993 का ये मॉडल है, राजदूत स्पोर्ट सीरीज करके आती थी, 175 सीसी का इंजन है और कंडीशन देख के आपको लग रहा हो ना कि यार कंडीशन कैसी है। इस बाइक का हम लोगों ने किया है रिस्टोरेशन। सो खमा गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश शेखावत और आज अपन ने जो है ये एक राजदूत बाइक जो थी इसका रिस्टोरेशन किया, इसको दोबारा से एकदम नई बनाया गया है और आप कंडीशन देख के एक आइडिया लगा ही सकते हो कि भाई कैसे हालात हैं बाइक के। 8 से 10 साल से ये बाइक खड़ी है और अब जो है सीधा अपन चलते हैं कि ये नई बाइक जो है कैसी बन के आई है। तो कुछ ऐसी लग रही है बाइक बनने के बाद में, कोशिश करी है कि जितनी जैसी जैसी ओरिजिनल जब ये आती थी, 1993 का ये मॉडल है और उस टाइम जैसी आती थी वैसी हमने इसको बनाने की कोशिश की है। थोड़े बहुत जैसे ये स्टिकर हैं ये इसके अंदर चेंज किया गया है ताकि ये दिखने में थोड़ी और ज़्यादा सुंदर और स्पोर्टी दिखे, क्योंकि 30 साल पुरानी मोटरसाइकिल है और वापस से इसको 7-8 साल खड़ी रहने के बाद में और वापस से इसको बनाया गया तो कुछ ऐसी लग रही है। चाबी कुछ ऐसी है इसकी जो दोबारा से ढूंढी गई है, बेसिकली अगर आप थोड़ा और पैसा खर्च करते तो और अच्छी चाबी मिल जाती। तो चाबी को एक बार लगाते हैं और अब जो है इसके अंदर यहाँ पे इस तरफ जो है टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं इंडिकेटर और इस तरफ जो है ये स्पीडोमीटर है। कुछ चीज़ें इसकी बाहर से मंगाई गई हैं, बेंगलोर दिल्ली वगैरह से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अभी मिलना बहुत मुश्किल था, बट कैसे तैसे करके मिली और ये इसमें लगाई गई है। यहाँ से ये हाई बीम लो बीम होता है और ये हॉर्न के लिए है। बेसिकली जो है ना बहुत बेसिक जो है ये बाइक्स उस टाइम आती थी, आज की बाइक्स में इतने सारे फीचर्स आ गए, ABS और पता नहीं कितने मोड्स वगैरह आ गए। उस टाइम सिर्फ बेसिक बाइक्स आती थी कि 2 टायर लगा दिए, इंजन लगा दिया और लाइट कार इसका फीचर दे दिया, इसके अलावा कोई फीचर नहीं आता था बाइक में। बेसिक सा जो है इसका स्टीयरिंग है। टैंक जो है ये दोबारा से बनाया गया है, दोबारा से पेंट किया गया है, ये चीज़ें बाहर से मंगवाई गई हैं और सीट जो है अगेन बनाई गई है। टायर और आगे का जो टायर और पीछे वाला टायर, दोनों टायर जो हैं दोबारा से इन पे निकल पेंट किया गया, क्रोम किया गया है, सेम साइलेंसर पे भी क्रोम किया गया है। और ये 175 सीसी का 2 स्ट्रोक आपको दिख रहा होगा कि कैसा लग रहा है। अब एक बार आपको इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं, लेकिन उससे पहले जो है इसकी मैं प्राइस बता देता हूँ कि इस बाइक के ऊपर जो है, ये कस्टमर की बाइक है, हमारी बाइक नहीं है, हम लोगों ने इसको रीबिल्ट किया है। इस बाइक के ऊपर जो है 45,000 रुपये का खर्चा हुआ है, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई हमें ऐसी बाइक बना के दो, तो एकदम स्टोक बना के और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ में, जैसे कि स्टिकर्स वगैरह, बाकी ऑलमोस्ट स्टोक बाइक जो है इसको तैयार किया गया है। तो ये इसकी कॉस्टिंग आई है। बाकी अगर आप भी कोई बाइक बनवाना चाहते हैं या फिर आपके पास में भी कोई इस तरह की पुरानी बाइक, चाहे वो यामाहा हो, चाहे राजदूत हो या फिर रॉयल इनफील्ड की कोई बाइक हो, इम्पीरियल कस्टम मोटरसाइकिल्स की जो डिटेल्स हैं वो अभी स्क्रीन पर भी आ रही होंगी। बाकी मैं सारी डिटेल्स, लोकेशन, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। तो कुछ ओवरऑल ऐसी है बाइक। अब एक बार जो है आप इसको करते हैं स्टार्ट, इंडिकेटर वगैरह वो सब चीज़ें, और जो पुराना जो एक मेलोडी सुनने को मिलती थी ना कि राजदूत RX100 की जो आवाज़ थी, वो एक बार आपको सुनाता हूँ मैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था ना कि ये इसका हाई बीम लो बीम इतना बेसिक है, ये लो बीम और ये हाई बीम, और पहले ऐसी बाइक थी जिनके अंदर जो है ना, यहाँ से आप बाइक हेडलाइट ऑफ करनी होने, हेडलाइट ऑफ हो गई, अब मुझे ऑन करनी होगी, ये हेडलाइट ऑन हो गई, तो इतना बेसिक आता था। और इस बाइक में बैटरी नहीं है, सोचो आप, ये इलेक्ट्रिक आती थी बट डायरेक्ट जो है वो अल्टरनेटर होता था जो लाइट बनाता था। अब जो है एग्जॉस्ट सुनाता हूँ आपको, और अब एक बार मैं इसको छोटा सा जो है राइड भी करके आता हूँ ताकि आपको एक बार फील आए कि चलने के बाद में कैसी लगती है ये।
मुझे आती थी उस टाइम यार। एक चीज नोटिस करी कि जितना आप इसको एक्सेलरेट करोगे ना, इसको बंद करते हैं एक बार, कि पहले के टाइम में जो है ना ये जो बैटरी तो होती नहीं इन बाइक्स के अंदर, अब जितना मैं एक्सेलरेट करूंगा उतनी ज़्यादा जो है ये लाइट जो है इसकी तेज होती जाएगी, क्योंकि मैग्नेट जो है वो उसी हिसाब से करंट बना के और फिर इंडिकेटर को और इसको हेडलाइट को देते हैं। और जितना धुआं इसके साइलेंसर पे आपने भी देखा होगा ना, तो ये धुआं खैर कॉमन रहता है इन बाइक्स के लिए, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन है तो जिसमें पेट्रोल के साथ में ऑयल भी जाता है, और पेट्रोल और ऑयल दोनों मिक्स जाने की वजह से इतना धुआं जो है बाइक निकालती है। तो ऐसा कुछ ओवरऑल इस बाइक का है। बाकी जैसे मैंने बताया कि आपकी भी अगर कोई बाइक हो उसको आप रिस्टोर वगैरह करवाना चाहें या फिर कोई कस्टम बिल्ड करवाना चाहें, तो सारी डिटेल जो है इस वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगी।